अच्छा सर, ये बताइए बाराडी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन है? अपना भवन नहीं है। अपना भवन नहीं रहने से यहाँ ग्रामीण जनता को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी उठाना पड़ती है, क्योंकि प्रसव के लिए भी कोई इसी तरह का भी कट गया, छट गया, कोई दवा उपलब्ध नहीं कराने वाला है, कहीं रहने का जगह नहीं है कि रोगी को रखा जाए, प्रसव के वालों को लिए भी दिक्कत होती है, इमरजेंसी कोई भी मैंने बात बिकने पर यहाँ से बहुत 7 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल है, ले जाने में परेशानी होती है रात्रि में भी। बिहार राज्य के नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड स्थित बारा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन नहीं है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1000 की है। उप स्वास्थ्य केंद्र का अपना भवन नहीं रहने के कारण यहाँ किसी तरह का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने से बाराडी में क्या क्या दिक्कत है? एनएम को बैठने में दिक्कत है, एनएम को ग्रामीण जनता को दवा वितरण करने में दिक्कत है, दवा रखने में दिक्कत है, एनएम दवा लेके नहीं आते हैं। रात के डिलीवरी वगैरह या कोई कुछ हो जाए तो कहाँ तो सब जाओ इलाज के लिए? जाइ ऐसी दूसरा के पास जाए तो हिलसा उलसा ले जाए, आओ रात बिहार के आओ, समय से कुछ समय ले जाए पड़ा है, आओ गाँव माने रहता था ना, गाँव में है ये ना है, समझ चीज समय से यहाँ डॉक्टर आते हैं ना? समय से नहीं आता है। कि महीना में कितना दिन आवाते हैं डॉक्टर? कहाँ अब आती डॉक्टर ही तो ना। अब ऐसे क्या क्या दिक्कत है आप लोग का गाँव वाला? बहुत दिक्कत है, अब कोई चीज हो जाता है तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाते हैं, बहुत दूर जाए पड़ता है। उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं रहने से क्या अभी इस गांव में किसी तरह का अभी घटनाएं घटी है? हाँ, बहुत सारे बच्चे मैंने मृत्यु हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे को जो कि हिलसा ले जाने में असमर्थ है, बहुत सारे गरीब के पास पैसा भी नहीं है कि वहाँ तक पहुँचा सकते, इसलिए दम तोड़ बच्चा दम तोड़ देता है बहुत सारे। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के समस्याओं का इन लोग का जो सामना करना पड़ रहा है, इन लोगों को सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 94700 35 17 पर संपर्क कर इन पर दबाव बनाएं, इन पर फ़ोन कर दबाव बनाएं और मेरी मदद करें। मैं मोहम्मद मिस्टर आलम बिहार के नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के जुनियार गांव से इंडिया अनहर्ड के लिए।